सो फाइनली मैं रेडी हो गया हूँ और 4:30 हो रहा है। अब मुझे निकलना है। मैं आपको बाहर का भी दिखा देता हूँ, हॉस्टल का कैसा लुक है। सो ये मैंने खोला गेट। ओ गजब, मौसम ठंडा हो रखा है बाप। अच्छा इतना ठंडा नहीं होगा यहाँ पे। सो मैंने कुछ ज़्यादा पहना नहीं है, एक इनर पहनी है और जैकेट पहना है और कुछ ऐसा दिखता है ये समरकंद हॉस्टल बाहर से। मस्त बनाया है। और अभी मैं जा रहा हूँ, इधर से निकलूंगा उधर राइट में एग्जिट, या तो फिर मैं आगे से निकल जाऊँ। आगे से भी रास्ता है, जहाँ से मैं अभी आया था होते हुए वहीं जाऊँगा। वो पूरा एरिया एक्सप्लोर करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है दिन का वो भी मैं एक्सप्लोर करूँगा, फिर वापस शाम को लौट जाऊँगा। और मुझे ट्रेन टिकट भी बुक करनी है, सो वो भी ध्यान देनी है बुखारा के लिए। चलो चलते हैं आगे। डायरेक्शन वगैरह मैं सब आपको अपडेट करता रहूँगा, बताता रहूँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। और जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो ट्रैम में प्लस बस में समरकंद में टैप का ऑप्शन अवेलेबल है, मशीन्स अवेलेबल हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। छोटा सा मशीन देखिएगा, ब्लैक कलर का ना, हैंडल्स पर लगा रहता है। ये जो यहाँ समरकंद के जो बसेज है ना, उनके ना जो मशीन लगी थी बहुत ऊपर लगा रखी थी तो मुझे दिखी नहीं, तो मैं जब बैठा था तो मैंने देखा। सो वो देख के टैप कर लो या फिर आप कैश दे देना, कैश भी एक्सेप्ट करते हैं वो। हाँ भाई, बस तो आई नहीं, मैं पैदल निकल गया और जैसे ही थोड़ा दूर आगे निकला तो बस जा रही थी। अब देखता हूँ मैं आगे जाके बस पकड़ूंगा। और ये ऑर्थोडॉक्स का चर्च है यहाँ पे, देख लो। और कुछ आसपास के नज़ारे की गलियाँ आसपास कैसा लगता है देखने में, हाउ इट फील्स सी। लग ही नहीं रहा भाई उज़्बेकिस्तान में है, जो इस्तान इस्तान लोग करते हैं ना सी। चर्च ऑर्थोडॉक्स, बाकी भी आगे बस स्टैंड है, वहां जाके लूंगा बस। वहां से 74 या फिर 91 मिलेगी, जिस लोकेशन पे मैं हूँ वहां से 94, सॉरी 74 और 91 बस चलती है रेगिस्तान के लिए। रेगिस्तान स्क्वायर, रेगिस्तान स्क्वायर पे आमिर तैमूर का जो मॉन्यूमेंट है वो है वहाँ पे। सो वहीं चल रहा है। नज़ारे भाई एक नंबर है, मतलब पूरे रोड पे कहीं भी आप चले जाओ आपकी नज़रें बस वाह सी फील करेंगी। आप उत्तर बाद कुछ अलग नहीं होगा ना। हेलो हेलो, हेलो सलाम। हेलो सलाम। तो पीछे दो लड़के थे, सलाम बोला और गिर गया। इंडिया इंडिया हिंदुस्की मिनिया दाऊद खुर्शीद, मिनिया दाऊद साखरियो साखरियो स्टडी छता स्टडी स्कूल ग्रेड ग्रेड यानी पानी मार हिंदुस्की मिया दाऊद खुर्शीद। хорошо меня зовут Ислам 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 सलाम सलाम खुर्शीद। इंडिया 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 ब्लॉग है। हाँ ब्लॉग से यूट्यूब स्कूल का वास पिछो मोहम्मद खुर्शीद अली MKA। хорошо शुक्रिया। हाँ बाय। So, भाई लोग ऐसे मिलते रहते हैं हाथ में वो क्या कहते हैं कैमरा देख लेंगे तो चले आते हैं सब लोग भाई पूछने के लिए, ब्लॉगर ब्लॉगर ब्लॉगर। क्योंकि टूरिस्ट तो कम ही आते हैं वैसे भी हर जगह, मतलब हर एक कंट्री में टूरिस्ट नहीं है, भरे हुए नहीं है। तो जहाँ कम है वहाँ पर टूरिस्ट आना तो बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए अमेजिंग होता है कि भाई टूरिस्ट आया हुआ है, साथ में ब्लॉगर आ जाए तो कुछ अलग ही हो जाता है। सो ये देखो भाई मस्त है ना, चाइनीज काइंड ऑफ। देखो ये कोई चाइनीज है भाई, देखते हैं क्या है मैप में। ये इंस्टीट्यूट है, चाइनीज इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है कॉन्फूसी इंस्टीट्यूट नाम है। तो अभी बस लेते हैं 74। आखिरकार बात करते करते मैं पैदल ही जा रहा हूँ, बस भी नहीं लिया तो ऐसे ही चला गया। अब देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, साइड में सारी शॉप्स हैं ये छोटी छोटी। मतलब आप जहाँ जहाँ जाओगे ना, जैसे जैसे जाओगे, जिस जिस एरिया में जाओगे, कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा आपको जाने के लिए, देखने के लिए। कुछ नया जानोगे, कुछ नया देखोगे, हर
हर लोकेशन अलग है कुछ। पेड़ देखो यहाँ पे सारे व्हाइट और ब्राउनिश, मतलब क्रीम ब्राउन अजीब से कलर मैक्स मिक्स हो रखे हैं। अगर यहाँ बर्फ पड़े और कितना खूबसूरत लगेगा देखो। ये क्या है ये देख के बताते हैं अभी आगे आपको। ये सब साइड का है तो ऐसे ही भाई देखने को आपको मिलेगा नज़ारे, मतलब आपका मन ऐसा नहीं होगा कि बोर हो गए, कुछ आपको नया फील होगा देख के। तो आओ भाई जल्दी जल्दी आओ, अभी मौका है, बाद में पछताओगे नहीं घूम पाओगे, फिर एक का डबल पैसा दोगे। फिर लोग कहते हैं, आप पूछते हैं भाई इतने सस्ते में कैसे घूम रहे हो। और एक और चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, जिन्हें ट्रैवल करना है, जिन्हें शौक है स्पेशली उनके लिए, हमेशा ट्रैवल डेट्स जो है वो आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो किस्मत की बात है कि जिस दिन आपका ट्रैवल डेट है उस दिन कोई आपको ऑफर मिले। ऑलवेज वेट फॉर ऑफर्स, एयरलाइन हमेशा ऑफर्स निकालती हैं, उन्हें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपडेट्स जितने भी होते हैं, न्यूज़लेटर जो होते हैं इनकी वेबसाइट पे, वो साइन अप कीजिए, फॉलो कीजिए। जैसे कि वो कोई भी प्रमोशन ऑफर लॉन्च करते हैं या नई एयरलाइन आती है तो उसकी डिटेल आपके पास में आ जाएगी और आप फ्लाइट बुक कर सकते हो। और इसी तरीके से मैं भी फ्लाइट्स बुक करता हूँ। और कुछ फेसबुक के पेजेस हैं तो उनको फॉलो करो ट्रैवलर्स के, उससे होगा ये कि अगर आप फॉलो करोगे तो फ़ायदा ये होगा कि ग्रुप में लोग डालते हैं नए अपडेट्स के बारे में। अगर आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया तो सुबह आपको मालूम चल जाएगा। जैसे कि मुझे मालूम चला था पहले कजाकिस्तान वाला, फर्स्ट टाइम मैंने 13,000 में बुक किया था आना जाना, और इस बार मैंने दोबारा बुक किया 6,300 रुपये में, सबसे चीपेस्ट है वो भी टाउन ट्रिप। सो सामने जो स्टैचू दिख रहा है ये टर्मिलान का स्टैचू है। टर्मिलान कौन है, लेट मी टेल यू दिस स्टोरी। ओके, जो टर्मिनल है वो यहाँ उज़्बेकी नेम है और ये एक्चुअल में आमिर तैमूर का, उन्हीं के स्टैचू लगी हुई है यहाँ पे एकदम क्लियरली है बीच सेंटर में। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो यही एक्चुअल में मॉन्यूमेंट है। तो ये आसपास का पूरा नज़ारा देख लो भाई, एक नंबर खूबसूरत, देखो नीट एंड क्लीन। अब वो सामने दिख रहा है, ये सारे रास्ते दिए हुए हैं किधर क्या क्या है क्या नहीं है। देख रहे हो, इसे कहते हैं खूबसूरती। आपने देश में भी बहुत सारी खूबसूरती है, बट वही है ना, गवर्नमेंट ने उसको कुछ हाईलाइट ही नहीं कर रखा है। बहुत सारे ऐसे प्लेसेस जो हिडन है, लोग जाते नहीं है क्योंकि उन्हें पता नहीं है, और जो पता है उनकी रेट पिटी हुई है। ओके, यहाँ पे सोच आपको आर्किटेक्चर ऐसा मिलेगा वो यूरोपियन स्टाइल का है, रशियन यूरोपियन। एंड यहाँ पे उज़्बेक तो है ही है क्योंकि यहाँ पे उज़्बेकिस्तानी लोग रहते हैं, तो ऑब्वियस है उनका फील तो मिलेगा। जैसे कि ये होटल है, सिर्फ बर्फ पड़ने की देरी थी यार, बर्फ पड़ने में ना ये पेड़ बहुत खूबसूरत लगते हैं, सूखे सूखे से जितने भी सारे के सारे। ये बसेस अवेलेबल है, आई थिंक टूर वालों के लिए है जो टूर लेके आए हैं। अब मैं एकदम सामने जा रहा हूँ, सामने दिख रहा है वो ब्लू कलर का गुंबद। सो मैं अभी हूँ आमिर तैमूर, जो मॉन्यूमेंट है वो ये रही सामने, देख रहे हो कितना खूबसूरत बना है, कितना बड़ा है। अंदर चल के देखें अगर यहाँ से एंट्री फ्री है तो। देखो सेंचुरीज, आमिर तैमूर कास ऑफ कैश टेस्ट। सो यहाँ से अंदर जाने के लिए भाई आपको लेनी पड़ेगी टिकट, जो कि है काउंटर ये बगल में दिख रहा है साइड पे, क्योंकि ये लिखा हुआ था कैश डेस्क। बाकी चलते हैं पीछे की तरफ, जो मेन वाला है वहाँ चलते हैं स्ट्रक्चर पे। हेलो एवरीवन, फाइनली मैं पहुँच गया हूँ उज़्बेकिस्तान का सबसे फेमस जो मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल पार्ट है, इसे बोलते हैं रेगिस्तान स्क्वायर। रेगिस्तान स्क्वायर इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेंटर है सिटी का, जो कि पड़ता है आपका समरकंद में। और ये सिल्क रूट जो पहले राजाओं के समय में जो भी सिल्क, मतलब जो लेन देन होता था गुड्स का और जो आवन जावन होता था वो सिल्क रूट के थ्रू होता था, और सिल्क रूट में समरकंद, बुखारा और ये ताशकंद होते हुए रूट जाया करता था कजाकिस्तान में। और इसकी खासियत क्या है रेगिस्तान स्क्वायर की, रेगिस्तान स्क्वायर एक्चुअल में 3 मदरसों से घिरा हुआ है, वो तीनों ये मदरसे हैं। इसमें से जो ये लेफ्ट वाला मदरसा है
वो है, उसको बोलते हैं उल्लू बेग मदरसा। और उसके बाद जो आपको राइट में दिख रहा है ये वाला, ये आपका है शेरदोर मदरसा, ये उल्लू बेग मदरसा। और जो सामने का दिख रहा है ना वो चिला कोरी है। और गेट तो क्लोज होके लगता, अभी अंदर तो शायद नहीं जा पाएंगे, पता नहीं, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा कहीं से भी एंट्री है, एंट्री क्लोज हो रखी है। कल सुबह आना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा नज़ारा है देखो आज। ये रहा उलू बेग मदरसा, शेर दिल एंड तिलकोरी, तीन मदरसा है। इन तीनों मदरसों को मिला के बनाया गया है रेगिस्तान स्क्वायर। और यहाँ पर जो उज्बेकिस्तान का वर्ड उज्बेक यूज़ किया गया ना, उज्बेक का मतलब होता है रेगिस्तान, तो ये पहले पूरा रेगिस्तान ही था। तो इन लोगों ने जो नाम रखा गया उज्बेकिस्तान का, और रेगिस्तान का स्तान और उज्बेक का उज्बेक, उज्बेकिस्तान मिला के इन्होंने ये नाम रखा है। सो ये थी यहाँ की थोड़ी सी हिस्ट्री, ज़्यादा नहीं है। और डीप में जाना है तो भाई आप हिस्ट्री बुक या फिर चैनल्स यूट्यूब एक्सप्लोर कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह, बाकी आपको मिल जाएगा। और ये जो मॉन्यूमेंट है एक्चुअल में बहुत खास है उज्बेकिस्तान के लिए, क्योंकि ये सेंटर पार्ट था और है अभी भी। यहाँ पे जो भी पहले के समय में और आज के समय में जो भी लेन देन है सब कुछ यहीं से होता है। आप कभी मैप में भी देखोगे समरकंद के ना, तो सेंटर ऑफ सिटी में आपका यही आता है, देखो। और इसकी फीस जो है अराउंड 500 रुपीज है INR में, 50 या 60 हज़ार सोम आई थिंक एंट्री फीस है। रात में बहुत खूबसूरत लगता है, देखो।